हेलो बच्चों, आज हमारे साथ हमारे क्लास 12th के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अपने सब्जेक्ट्स के अंदर 100 ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। यानी कि आज मैंने कोशिश करी है कि चार ऐसे स्टूडेंट से बातें करेंगे जिन्होंने अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में और या बिजनेस स्टडीज़ में 100 और 100 मार्क्स सिक्योर करें, और उनसे जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हमारे भी मार्क्स ऐसे आ सकें। और क्लास 12th की पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी आज समझेंगे हम सारे अपने टॉपर्स और अपने चैम्प स्टूडेंट से, और ऑफलाइन के चीते, ऑनलाइन के चीते, इसमें सारे चीते जो हैं आज हमारे साथ अपनी स्ट्रेटेजी रिवील करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं श्रेया, सायदा, हर्षिता और कपिश चारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सर। सभी बच्चों को। बहुत ही अमेजिंग आपका रिजल्ट आया, और हमारा आज का मोटिव ये है इस वीडियो को बनाने का, खासकर कि आप सब बच्चों ने अभी रिसेंटली अपने एग्जाम्स दिए हैं और बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आए हो। मतलब 100 और 100, इससे अच्छे तो खैर क्या ही होगा। तो हम जो है बेसिकली जो आपके जूनियर्स हैं, उन जूनियर्स को आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी जो भी बातें, गाइडेंस होगी वो देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि उन्हें क्या करना चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो ऑल सेट चारों बच्चे? यस ठीक है, तो मैं पहले हर्षिता से स्टार्ट करता हूँ। हर्षिता, सबसे पहले तो आप अपना छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो बच्चों को कि क्या आपका स्कोर रहा, किस किस सब्जेक्ट में क्या रहा, और जो सबसे पहले आप बताना कि आपने किस तरह से पढ़ाई करी जो आपके 100 मार्क्स आए। हर्षिता, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। सॉरी सॉरी नाउ हाँ एम आई हर्षिता, ऑडिबल? हाँ हर्षिता, सॉरी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षिता सिंह एंड आई हैव सिक्योर्ड अ परसेंटेज ऑफ 95.4% इन 12th बोर्ड एग्जाम। आई स्कोर 100 इन बीएसटी, 99 इन इकोनॉमिक्स एंड 95 इन अकाउंट्स। एंड द बेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर मी वाज बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड आई हैव स्कोर्ड द बेस्ट इन दीज टू ओनली एंड आई हैव प्रैक्टिस द मोस्ट इन अकाउंट्स बट स्टिल आई वाज लिटिल थोड़ा सा एट लॉस। हर्षिता, आप का ऑडियो इम्प्रूव अगर हो जाए तो लाउडर थोड़ा सा। वन सेकेंड सर। हेलो, लाइक इज इट बेटर नाउ? हाँ, नाउ नाउ इट्स बेटर। हाँ हर्षिता, तो आपके बिजनेस में, यस सर। हाँ आपके बिजनेस में हर्षिता आए हैं 100 और 100, और इकोनॉमिक्स में आए हैं 99। तो आप पहले, यस सबसे पहले बिजनेस और इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये थोड़े से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें कैसे पढ़ना चाहिए बच्चे को उसके बारे में आप बताओ। सबसे पहले ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए कि उन्हें समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। इकोनॉमिक्स एक कहते हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो, बट एक्चुअली वो थ्योरेटिकल नहीं है बिल्कुल भी। 12th वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है ताकि वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेट रहे। और वो सिर्फ 12th के लिए नहीं है, हम कॉमर्स में हैं तो ऑब्वियसली वो आगे भी हमारा बहुत बहुत यूज आने वाला है। तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस दोनों के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू मेक नोट्स जो आपने खुद बनाए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स में रहेगा कि आप सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व करो, जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमेशा हमेशा कॉन्सेप्ट से हमेशा हमेशा एमसीक्यूज से आती है। और बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने वन मार्कर्स खुद से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करके बनाओ। एनसीईआरटी इज द होली बाइबल फॉर बीएसटी। उससे हर एक केस स्टडी सॉल्व हो जाएगी, लाइक एक चीज नहीं सकती जो से सॉल्व भी ना हो। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज के लिए जो इनसाइट हमें मिला बाकी बच्चों आपके लिए, कि एनसीईआरटी जो है बिजनेस स्टडीज के लिए एक तरह से होली बाइबल है, तो उसको लाइन बाय लाइन जरूर अच्छे से कवर करके चलो, राइट हर्षिता? यस सर। और जितने ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं उतने ज्यादा बेटर। ओके, अब जैसे इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा सा मुझे बताओ, इंडियन इको को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं पूरे साल कि इंडियन इको कैसे करें, क्या करें, उसके बारे में तुमने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, कैसे पढ़ा इंडियन सर इको? टू बी ऑनेस्ट लाइक मेरे को इंडियन इको में कभी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था और आप जैसे ही क्लास में पढ़ाते थे वो सब दिमाग में फिट हो जाता था, लाइक बिल्कुल फिट हो जाता था। और बस डेट्स के लिए थोड़ा सा होता था, डेट्स के लिए आप अलग से शीट बनाओ। जो जो डेट्स आपने पहले अपने खुद से लिखनी है सारी, उसके बाद आपको एक बार याद करके जितनी आप एक्टिव रिकॉलिंग, पैसिव रिकॉलिंग कहते हैं उसे, जितनी आपको याद आ रही है आप उतनी दूसरी शीट पे उतनी बार लिखो। तो एक एक थोड़ा थोड़ा दिन पे, एक एक महीने के गैप पे वो होता जाता है, फिर वो याद हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है,
लेकिन बच्चों को जैसे इंडियन इको में लिखने में प्रॉब्लम आती है कि आंसर हम लिखे कैसे, तो क्या बुक का बिल्कुल आंसर हमें बुक का रटना है वर्ड बाय वर्ड नहीं या? नहीं अच्छा बिल्कुल नहीं, उसमें रटना नहीं है। आपने सबसे ज्यादा ग्राफ्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट बना लो आप। बेस्ट है कि आप आंसर्स को अपने फ्लो चार्ट में लिखो। जितने ज्यादा डायग्राम्स होंगे, जितना ज्यादा फ्लो चार्ट होगा, आपको लिखना कम पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, आपको नहीं भी आता, आपको सिर्फ हेडिंग हेडिंग आती है, तो आप अपने आप से तो बना के लिख ही सकते हो। बस फ्लो चार्ट में रख दो, आंसर सुंदर लगना चाहिए। बोर्ड इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आप जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, उतने अच्छे आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट कहा तो हर्षिता ने। तो बच्चों जी आपको अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा अच्छे से करनी है, बुक की आपको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है हर्षिता, थैंक यू। पहले मैं आपको बाकी बच्चों के पास भी आता हूँ, आपके पास दोबारा आता हूँ घूम के। तो अब थैंक यू सर। सायदा, हाँ सायदा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके दो सब्जेक्ट्स में 100 on 100 मार्क्स आए हैं राइट? जी सर, यस सर। ठीक है, तो आप बताओ सायदा कि कैसे आपने पढ़ाई करी? ये 100 में से 100 नंबर मेरे तो नहीं आए, आपके कैसे आ गए, आपने क्या करा ऐसा? सर, सबसे पहले क्रेडिट गोज़ टू यू सर। आपके लेक्चर्स तो, आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी अकाउंट्स में, वो तो माइंड ब्लोइंग थी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको अकाउंट्स में 100 आना है, तो सबसे पहले मेन आपको कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत सारा रोल प्ले करता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए आपको। हर टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, और फिर कॉन्सेप्ट्स, वंस यू आर डन विथ कॉन्सेप्ट्स, फिर नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। हर टॉपिक का हर क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहिए, एक बार देख के करो, फिर नेक्स्ट टाइम विदाउट सेइंग, एंड वंस यू आर डन विथ सिलेबस, उसके बाद में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अगर आप जितने मॉक टेस्ट दोगे, उतना आपका स्पीड भी बढ़ेगी और फॉर्मेट्स पे ध्यान रहेगा, टाइम मैनेजमेंट को बहुत मदद करेगा। तो मैं मेरे जूनियर्स को ये सजेस्ट करूंगी कि अकाउंट्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस की मॉक प्रैक्टिस टेस्ट करें। पेपर्स, सैंपल पेपर्स और प्रीवियस इयर्स पेपर्स को भी अच्छे से सॉल्व करना अच्छा, है। और बीएससी अकाउंट्स में में? तो कॉन्सेप्ट, जी हाँ हाँ सर। हाँ अकाउंट्स की मेरे को ये पूछना था, क्योंकि मेरे पास देखो मैं तो क्वेरी लाया हूँ बच्चों की, बच्चे ये पूछते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ें, और दो दो बुक से पढ़ें हम, टीएस ग्रेवाल से, डीके गोयल, दोनों बुक से पढ़ें, उसके लिए क्या करें, या नहीं एक ही बुक? सर, अगर कोई भी बुक पढ़ो, पर उसको अच्छे से करो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आप दो बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो एक ही बुक को स्टार्टिंग से एंडिंग तक उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो तो हो जाएगा। ओके और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें बच्चे? अच्छा, बिजनेस स्टडीज के लिए तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, बहुत बस काफी है। हर एक लाइन को अंडरलाइन करो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दो। फिर अगर एग्जाम में प्रेजेंटेशन है, तो मेन मेन पॉइंट्स को थोड़ा हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, और बाकी एक्सप्लेनेशन आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, या फिर एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। ओके, तो आपने शायदा इकोनॉमिक्स में आपके 100 मार्क्स आए, तो आपने बुक के आंसर्स लिखे थे रट रट के, अपनी लैंग्वेज में लिखा था? नहीं सर, बुक के आंसर्स, कीवर्ड्स तो बुक के लिखे थे, और थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैंने अपनी लैंग्वेज में भी लिखे थे। ठीक है, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि आपको हार्डकोर बुक की ही लैंग्वेज लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हाँ ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छी रहनी चाहिए। जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सायदा, फिर आता हूँ अभी आपके पास। अब हमारी एक ऑफलाइन की चीती है श्रेया, उसको आज डिस्टर्ब करा हमने, वो अपने सीयूईटी की तैयारी कर रही है, उसका एग्जाम भी था, तो उसको हमने कहा थोड़ा सा कि सीयूईटी की तैयारी रोक कर पहले बच्चों के लिए कुछ आज समय निकाले। तो श्रेया जी आपके इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स आए हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। हेलो बच्चों, क्लास 12th की आपकी पढ़ाई हमारी YouTube सीरीज के थ्रू तो चल ही रहे हैं, और आप सारे YouTube चैंप्स बैच के बच्चों की आई होप बहुत अच्छी तैयारी हो रही होगी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की।
इस छोटे से मैसेज के अंदर बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि आरकेजी के क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स के थ्रू अपनी पूरी प्रिपरेशन को अच्छे से करना, जिसमें आपको अर्ली एक्सेस मिलता है पूरे के पूरे हमारे फुल रिकॉर्डिंग कोर्स का, चाहे आप उसमें अकाउंटेंसी, चाहे इकोनॉमिक्स और चाहे हमारे बिजनेस स्टडीज के कोर्स को अगर पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप हमारे आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन पर जाकर अवेल कर सकते हैं। इस पूरे रिकॉर्डिंग कोर्स के अंदर आपका 100% कोर्स कवरेज किया जाएगा डिटेल्ड मैनर में, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर्स हैं हमारे क्लासरूम लेक्चर्स, यानी कि इसमें आपको मिलेगी पूरी की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का सपना होता है क्लास ट्वेल्थ के बाद अपने एक ड्रीम कोर्स और ड्रीम कॉलेज में जाने का, तो मैं बता देता हूं बच्चों, हमारे पास आरकेजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने क्लास ट्वेल्थ के साथ अपने आने वाले सीयूईट या अपने आने वाले सीए फाउंडेशन सीसीट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। उसका रीजन सिर्फ एक होता है, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ के बाद आपको सिर्फ 50 to 60 days का टाइम मिलता है जब आपके सीयूईट के एग्जाम या सीए फाउंडेशन के एग्जाम हो जाते हैं। तो अगर आपका भी टारगेट है अपने ड्रीम कॉलेज को क्रैक करने का, खासकर अपने बोर्ड्स एग्जाम के बाद 2024 के अंदर, तो हमारे सीयूईट के तीनों ही सेक्शन के कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग्स दोनों मिलती हैं। लाइव क्लासेस अगर आपकी छूट भी जाती है तो उसका बैकअप आपके पास रहता है। इस पूरे कोर्स के अंदर आपको तैयारी करवाई जाती है आपके सीयूईट एग्जाम की, जिसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, डोमेन सब्जेक्ट्स एंड सेक्शन 3 सब कुछ कवर किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपका टारगेट है सीए बनने का या सीएस या सीएमए करने का, तो उसके लिए भी हमारे कोर्सेज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको हफ्ते में रिकॉर्डिंग्स एंड लाइव क्लासेस दी जाती हैं सिस्टमैटिक तरीके से, एंड आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाती है क्लास ट्वेल्थ के दौरान ही। बाकी जब लास्ट में 50 दिन का समय मिलता है, उसमें हम करते हैं अपनी फुल फ्लेश्ड तैयारी, ताकि आप अपने किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या फाउंडेशन एग्जाम को एक बार में क्लियर कर सकें। तो अगर आप इन कोर्सेज को या इन कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं, तो आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। मैंने नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और सिर्फ आपको स्टोर सेक्शन पर जाकर अपने डिजायर्ड कोर्स को बाय करना है। आई होप आपका रिजल्ट इस साल बहुत अच्छा आए। मेरी तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट विशेस। तो यस सर, आई सिक्योर्ड 96% इन माय बोर्ड्स। मेरे इको में 100 है, अकाउंट्स में 92 है, बिजनेस स्टडीज में 95। फॉर इको आई वुड रिकमेंड कि आप हर रोज थोड़ा एक एक घंटा पढ़ो, बिकॉज अकाउंट्स में ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम जाता है। तो आई वुड रिकमेंड ऑल्टरनेटिव डेज या फिर एवरी डे इको करो। एंड जैसे एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई वुड रिकमेंड रीड इट एज अ स्टोरी बुक, बिकॉज वो पूरा एक फ्लो में चलता है, जैसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस और अभी प्रेजेंट इकोनॉमिक स्टेट। एंड मैं स्टिकी नोट्स लगाती थी अपने टेक्स्ट बुक पे, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और कीवर्ड्स लिखती थी, जिसको मैं अपने आंसर्स में यूज करती थी। बच्चों के लिए थोड़ा हाईलाइट कर दे दो, तो ये एक अच्छा पॉइंट बताया श्रेया ने। आप अपनी बुक से या जिससे भी नोट से स्टडी कर रहे हो, उसमें छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगा लो, जैसे जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उस चैप्टर में जो भी डेट्स आई या इंपॉर्टेंट चीज आई, उसका स्टिकी नोट उस चैप्टर में बीच में लगा लिया, राइट। एंड मेरा सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स आई गेस मिड नवंबर तक खत्म हो गया था, तो मैं सिर्फ सैंपल पेपर्स और एमसीक्यूज जो सर देते थे और उनके टेस्ट करती थी। एंड फॉर मैक्रो आई वुड रिकमेंड न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड स्पेशली फॉर ADAS उनके ग्राफ्स, बिकॉज CBSE ने इस बार ग्राफ्स डायरेक्ट पूछे थे। एंड फॉर BST आई वुड रिकमेंड कि आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो, बिकॉज वो जो पेपर में केस स्टडीज आती है वो डायरेक्टली NCERT के कीवर्ड्स होते हैं। ओके, तो बिजनेस स्टडीज के लिए बच्चों देखो, सबके टॉपर्स के कॉमन पॉइंट यही निकल रहे हैं कि NCERT को तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ो, केस स्टडी भी आप उससे इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है श्रेया, अभी आता हूँ आपके पास दोबारा। हमारे चौथे चीते हैं कपिश भाई, तो कपिश जी आपसे अब जानना चाहेंगे कि जो इतने बढ़िया आपने 100 नंबर लेकर आए, तो क्या स्ट्रेटेजी थी? जैसे बच्चे ये पूछते हैं कि आपका कोर्स कब तक खत्म हुआ, पूरे एक बार एनुअल प्लानर के हिसाब से अगर आपको जूनियर्स को सजेस्ट करना हो कि कब कोर्स खत्म करें, कैसे रिवाइज करें, क्या क्या मतलब चले, बच्चे किस तरह से पढ़े अगले 8 महीने। सर, जैसे मैं आपके ऑनलाइन पेड बैच में था, तो उसमें आपने मिड नवंबर तक या उससे पहले ही बल्कि कोर्स खत्म हो गया था। और जैसे आप दो रजिस्टर्स जो मेंटेन करवाते हैं, कंसेप्ट और प्रैक्टिस, वो कंसेप्ट रजिस्टर मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो मिड जो स्कूल के एग्जाम्स हैं और एंड टाइम प्रिपरेशन के लिए, मतलब बार बार आपको प्रैक्टिस रजिस्टर खोल के देखने की जरूरत है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इजी बेसिक वाले क्वेश्चंस तो वहीं से क्लियर हो जाते हैं।
और जो एक्स्ट्रा जो वैसे क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आप जो कंसेप्चुअल और स्टार मार्क क्वेश्चन मार्क करवाते हैं, हर क्वेश्चन के लगभग हर चैप्टर के 15-20 जो क्वेश्चन होते हैं मेनली बस वही प्रैक्टिस करने होते हैं पूरे साल, उसी से ही काम हो जाता है। और जैसे आप कहते हैं कि दो दो बुक्स पे भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बुक पे पूरे साल फोकस करना है, प्रेफरेबली टी एस अग्रवाल जो आपने भी इंस्टीट्यूट में फॉलो करवाई थी, तो और रेगुलर प्रैक्टिस यही मेन है अकाउंटेंसी के लिए। ठीक है, तो बच्चों के लिए मैं ये दोबारा से बता देता हूँ, अकाउंट्स के लिए तो यही जरूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट रजिस्टर जो मैं अलग से बनवाता हूँ वो आपका हमेशा एंड तक काम आएगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं स्टार क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो आप प्रैक्टिस के जब करोगे 15-20 क्वेश्चन हर चैप्टर के तो आपकी कवरेज हो जाएगी। नवंबर तक आपका देखो सिलेबस खत्म हो जाता है, फिर आपके पास दिसंबर जनवरी फेब्रवरी का टाइम रहता है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सैम्पल पेपर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकते हो और मॉक टेस्ट दे सकते हो, कॉमन पॉइंट्स ही निकल रहे हैं। ठीक है कपिश, और अच्छा कपिश थ्योरी सब्जेक्ट्स में बताओ कि तुमने भी क्या बुक की लैंग्वेज रटी थी या अपनी लैंग्वेज में लिख के काम हो गया था? सर BST में तो मैंने थोड़ा ट्राई किया था क्योंकि MCQs में बीच की लाइन पूछे थे कभी कभार वो फिल इन द ब्लैंक्स के उसके तौर पे, तो बाकी थ्योरी क्वेश्चंस में तो ऐसा कुछ नहीं है कि रट के लिखना होता है। MCQs में बस थोड़ा थोड़ा कीवर्ड्स पूछता है, वो भी मेनली वैसे कुछ नहीं होता कि बीच में से कुछ भी पूछ लेता है। इको में मैंने इंडियन इको एंड तक छोड़ी थी, तो उसमें उसमें से मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए थे। मैक्रो हो गई थी क्योंकि मैक्रो समझ के करने में इंटरेस्ट भी आ गया था ओके उसमें, ओके फिर भी इको में मेरे 82 मार्क्स आ गए थे ओवरऑल। ओवरऑल ठीक है ठीक है। अच्छा हर्षिता मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे बताओ जैसे बच्चों की मेरे पास जो क्वेरीज आई हुई उसमें ये भी है कि अभी इस समय जो है बच्चों के यूटी भी चल रहे होते हैं, फिर एकदम से हाफ ईयरली आने शुरू हो जाएंगे, मतलब जब जुलाई में स्कूल ओपन होगा, तो ट्यूशन को सेल्फ स्टडी को और स्कूल को ये तीनों को कैसे मैनेज करें, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है बच्चों के मन में। अब उस पर आप अच्छे से मैनेज गाइड कर पाएंगे कि हाँ बताइए। सर, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। लाइक यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट अ लॉट। ठीक है, जब भी हमें चाहिए ही चाहिए, अब आपको खुद से टाइम मैनेज करना है, उसके लिए आपको एक दिन बैठ के अपना पूरा एक दिन देके आराम से सोच लो कैसे टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ते ही रहना है, आपके पास हर चीज का टाइम होना चाहिए। बस आप किसी चीज पे सैक्रिफाइस करो कि आप, मैं एक दिन 15 मिनट कम फोन चला लूंगा, मैं एक दिन ज्यादा पढ़ लूंगा, मैं, और हर सब्जेक्ट को हर दिन नहीं रखना है। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि सब हम सब कुछ एक ही दिन में कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको आपने हर चीज हर आपने सब्जेक्ट कैसा को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि बच्चों को ये भी इंटरेस्ट रहता है जानने में। जैसे आपका एक दिन आपको मिला तो आप उसमें क्या क्या पढ़ते थे, अकाउंट्स इंग्लिश या BST, किस तरह से एक वीक को आपने डिवाइड करा था? पूरे लाइक पूरे हफ्ते में अकाउंट्स और मैथ्स लाइक एक मस्ट सब्जेक्ट है जो आपको करना ही है। मेरा कॉमर्स विथ मैथ्स था तो मुझे मैथ्स के लिए भी टाइम दे रहा था, और 12th की मैथ्स में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है, उसमें तो पढ़ना ही पड़ता है। तो अकाउंट्स और मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस रिक्वायर करता है, 2 घंटा आपको देना ही पड़ेगा, अब चाहे वो कैसे भी दो आप। ठीक है, उसके अलावा हर दिन इको और BST करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में आप 2 या 3 दिन निकाल लो, उसमें से आप बस अपने खुद सेल्फ स्टडी, जो आपने जो आपको पढ़ाया जा चुका है, बस उसको साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहो, बैकलॉग मत होने दो। जब तक बैकलॉग नहीं रहेगा तब तक आप कॉन्स्टेंटली चलते रहोगे। स्कूल वाले भी रहते हैं कि उन्हें भी जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कराना है, प्री बोर्ड करने हैं, तो उनका भी सिलेबस पहले ही खत्म हो जाता है। बस आपको वो स्पीड मेंटेन करके रखनी है, और टाइम थोड़ा कम वेस्ट करना है, स्क्रोल थोड़ा कम करना है, बोर्ड का रील साल है थोड़ा तो कर सकते हैं। मतलब रील्स थोड़े कम देखनी है ना, हाँ, रील्स थोड़ी कम देखना है। और बस इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, बाकी जरूरत नहीं है किसी को। हाँ ठीक है, अच्छा थैंक यू हर्षिता। अब साइदा मुझे आप थोड़ा सा बताओ जी सर, कि ट्यूशन में कुछ कभी कभी जो या जो आप स्टडी करते हैं वो आपकी अलग पढ़ाई चलती है, स्कूल में कुछ अलग चलती है, तो किसको फॉलो करें, किस तरह से, मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इसको लेकर भी? सर मैंने तो कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया हाँ था। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बच्चों को पहले तो ये बता दूं तुम्हारे एग्जाम्पल से कि देखो सायदा जो है वो यूट्यूब चैम्प्स यानी कि YT चैम्प्स की स्टूडेंट है, कोई ट्यूशन नहीं करा था ऑफलाइन, आपने सारी स्टडी यूट्यूब से करी है, राइट? हाँ जी सर, हाँ, तो लेकिन यस फिर ये सर, यूट्यूब से भी जब आप पढ़ते हो, लेकिन तो आपका फोकस क्या रहता है कि स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं हम वो ज्यादा पढ़ें या यूट्यूब पर जो हम पढ़ रहे हैं वो ज्यादा पढ़ें, कैसे करें, वो इम्पोर्टेंट है जानना, उसको कैसे। जो भी आपको हर दिन कराया जाता है वो घर पे आके सर एक बार उसको रिवाइज कर दो,
रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है सर, उसी दिन का उसी दिन रिवाइज कर दो, और फिर आपको जो भी पढ़ना है तो मैं उसके बाद इवनिंग पे आपके लेक्चर्स पढ़ती थी सर, ठीक है, तो स्कूल से आके आपने बस स्किप आपके कर दिया लेक्चर्स वो सारा। से अच्छा इवनिंग या 7 के बाद आपके लेक्चर्स से मैं पढ़ती थी सर। ठीक है, तो स्कूल से आने के बाद आपने स्कूल का रिवाइज कर लिया, और आफ्टर 7 आपने सारे लेक्चर्स से पढ़ाई कर ली, और जो भी सेल्फ स्टडी करनी है वो कर ली। हाँ, सेल्फ स्टडी इज मस्ट इम्पोर्टेंट सर, एटलीस्ट आपको 1 घंटा सेल्फ स्टडी को देना है ठीक है, 1 घंटा सेल्फ कंसिस्टेंटली, स्टडी। अगर 1 घंटा भी दो तो सेल्फ स्टडी इज मस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये एक अच्छा पॉइंट है बाकी बच्चों के लिए भी कि सेल्फ स्टडी भी जरूर दें, ऐसा नहीं है कि बस ट्यूशन गए स्कूल गए और आपने रजिस्टर बंद कर दिया कि चलो हो गया, 1 घंटा अपने लिए भी जरूर देना जरूरी हो गया। ठीक है, थैंक यू जी सर, शायदा। तो श्रेया जी अब आपके पास आते हैं। श्रेया जी आप बताओ, क्योंकि आप तो यहीं पे ऑफलाइन की चीती रही हो, तो स्कूल को ज्यादा फोकस करके पढ़ें या ट्यूशन की पढ़ाई ज्यादा करें, कैसे, क्या स्ट्रेटेजी आपने क्या फॉलो करी थी? सर मैंने दोनों में बैलेंस किया था सर। मैं सच बताऊँ, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाती है, लाइक 4 to 5 आवर्स के बाद मैं नहीं पढ़ सकती, मेरा वो एग्जॉस्ट हो जाता है। सो या आई वुड रिकमेंड सेल्फ स्टडी 4 आवर्स मिनिमम करनी चाहिए व्हेन आपको नॉन प्रिपरेटरी लीव्स मिलती हैं, लाइक जब स्कूल भी जा रहे हो ट्यूशन भी जा रहे हो। बिकॉज मेरा क्या था, मेरा शाम को ट्यूशन होता था तो आप उधर लेक्चर्स और नोट्स कराते थे तो वो मेरे दिमाग में रिटेन होता था, तो मैं घर आके उसको रिवाइज करती थी। एंड साथ में मेरे स्कूल्स में और आपके इंस्टीट्यूट में साथ में टेस्ट होते थे, जिससे मेरा उससे मुझे पता चल जाता था कि मेरे वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। एंड हाँ, जब बोर्ड्स नियर आ जाते देन आई वुड रिकमेंड कि हाँ तब 8 to 9 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। पर हाँ, वैसे लाइक टिल नवंबर जस्ट गिव 4 आवर्स मैक्सिमम, तो फॉर स्टार्ट फ्रॉम द अकाउंट्स में ज्यादा स्कूल। देना चाहिए। ठीक है, 4 आवर्स एंड और ईको फाइव बीएसटी आवर्स एवरी ऑल्टरनेटिव डे चलेगा एंड वीकेंड्स पे रिवीजन। और वीकेंड पे रिवीजन। ठीक है, तो श्रेया की स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की थी कि आप अकाउंट्स या मैथ्स को रेगुलरली पढ़ें, इको बीएसटी ऑल्टरनेट भी पढ़ सकते हैं, वीकेंड पे एक दिन रिवीजन का रख लेते हैं। ठीक है, अब कपिश आपके पास आता हूँ। कपिश आप मुझे बताओ कि आपका टाइम टेबल किस तरह का था जब आप इस जून जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम पे स्कूल भी जाते थे, कभी स्कूल के टेस्ट भी होते थे, ट्यूशन भी कर रहे थे क्लासेस, तो उस समय क्या टाइम टेबल रखा और एंड में फिर क्या आपने स्ट्रेटेजी अपनाई ताकि बिल्कुल 100 और 100 मार्क्स आए? सर एक तो जैसे टाइम जैसे जुलाई और अगस्त के टाइम पे मैंने वीक में 1 to 2 डेज की छुट्टी लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल के मार्क्स मतलब एंड में कुछ काम आते नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल को छोड़ के थियोरेटिकल काम आता नहीं है। अकाउंट्स जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस किया था मैंने, लगभग 1 to 2 आवर्स तो डेली दिए ही थे अकाउंट्स को, ठीक और है, इको बीएसटी भी ऑल्टरनेट डे 1 to 2 आवर्स दिए थे। मैथ्स था कि मैथ्स थोड़ा मुझे मतलब कम आता था तो वो दिया था 2 to 3 आवर्स मैंने डेली। ओके, तो यूनिट अपने टेस्ट तक तो जैसे मेरे सारे चैप्टर्स लगभग सिमिलर थे ट्यूशन और उसमें भी, तो उसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे। मिड टर्म तक थोड़ा क्लैश हुआ था तो उसमें थोड़े मार्क्स कम हो गए थे, तो प्री बोर्ड तक तो सब कुछ खत्म हो ही गया था दोनों तो जगह। स्कूल में जैसे अभी हाफ ईयरली में यूटी में थोड़े कम मार्क्स भी आए, तो ज्यादा चिंता वाली बात तो नहीं है ना बच्चे के लिए? नहीं है सर, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स एंड में स्कूल वाले वैसे दे ही देते हैं अपने आप, मेरे सब में 20 20 थे, थ्योरेटिकल मैटर नहीं करता। ठीक है, तो देखो कपिश ने सही बात कही कि प्रैक्टिकल में तो आपको 20 मार्क्स स्कूल में लास्ट में मिल ही जाएंगे, ज्यादा मैटर अभी करेंगे नहीं मार्क्स, तो आप जो भी स्टडी कर रहे हो उस पर ज्यादा फोकस करो, ट्यूशन की स्टडी कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कपिश। और हर्षिता मैं आपके पास आता हूँ। आप हर्षिता ये बताओ थोड़ा सा कि बच्चों को एक ये भी दिक्कत आती है कि हम रिवीजन कैसे करें, है ना, पढ़ लिए ट्यूशन भी जा रहे हैं, घर आके मतलब होमवर्क भी कर लिया, रिवीजन की एक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या आपके हिसाब से, क्या मतलब आपने जो फॉलो करी वो क्या रहनी चाहिए? रिविजन के लिए बेस्ट है कि आप सबसे अच्छे आप टेस्ट दो, आप एक जितना आपने काम करा है लाइक वो वीकली टेस्ट होने चाहिए या फिर जितना भी फोर्टनाइटली जितना भी कवर हो गया है, आप उसे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप उसे फिर से एक टेस्ट दे रहे हो या फिर आप उसे अपनी पैसिव रिकॉलिंग कर रहे हो। लाइक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना कि जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको जितना आता है पहले उतना लिख दो पेपर पे, पेन लेके जितना आता है उतना लिख दो, उसके बाद फिर से रिवाइज करो उसे, जितना भी बचा हुआ है वो आपकी मेमोरी में सेट होता जाता है। और जितना और प्री बोर्ड्स नहीं छोड़ने हैं, जैसे बच्चों के मन में होता है कि प्री बोर्ड छोड़ देते हैं, मैं तो कभी नहीं बोलूंगी प्री बोर्ड छोड़ने के लिए, वो बहुत ही एक सेट एग्जाम्पल होता है कि आपने बोर्ड कैसे देने हैं। और वो भले हम थोड़ा बहुत कम पढ़ के जाए पर जितना पढ़ के जाए हमें वो पूरा आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट।
अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछने कि अब जैसे 12th की भी तैयारी कर रहे हैं आप, स्कूल ट्यूशन वो सब भी हो गया, फिर 12th के एकदम बाद CUET का एग्जाम होता है, CA का एग्जाम होता है, उसके लिए क्या टेक्निक आपने फॉलो करी है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी? सर मेरा तो लाइक 12th के साथ मैंने क्लैट भी दिया था और मेरा क्लैट क्लियर हो गया था, तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है. लाइक आपको क्वांटिटेटिव जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है ना, बस आपको उसके साथ साथ आपको बस फोकस करते हुए अपना चीजें करते जानी है. और थोड़ी सी अगर आपको चाहिए कि 12th के साथ साथ ही चीजें हो जाए, जैसे क्लैट मेरा दिसंबर में ही था तो हो जाए, तो मैंने 2 घंटा सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया था. लाइक मैं 5 बजे उठती थी तो उसके हिसाब से मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी. फिर जो क्लैट में सब्जेक्ट होते थे उसमें ज्यादा टफ नहीं होते थे, लाइक मैथ्स उसके अंदर मिनिमल थी, क्वांटिटेटिव और बाकी बस वो लीगल था उसके अंदर पढ़ने के लिए. तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बस आपको एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा बस मैनेज करना पड़ता है. और रही बात सीबीटी की, हाँ, तो आपने 12th के साथ ही बेसिकली तैयारी शुरू कर दी थी, आपकी अप्रोच ये नहीं थी कि मैं पहले 12th दूंगी फिर आगे नहीं तैयारी। ओके, नहीं तो और सीयूईटी के लिए भी अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ लिए अच्छे से, बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ो भाई. चलो एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर बनना है सीयूईटी का, तो अब अच्छे से दे दिए डोमेन का सब्जेक्ट. और बाकी बचा क्वांट्स, मतलब जीटी, जीटी सब्जेक्ट में, जीटी में मेजोरिटी पेपर जितना अभी तक एनालिसिस आया है उसमें ज्यादातर वो क्वांटिटेटिव पूछते हैं. क्वांटिटेटिव में क्या होता है, 10th तक की मैथ्स है और उसको करने के लिए आपको स्ट्रिक्ट सीखनी होती है, जो कि उसके लिए 1 महीना काफी है. और मैं कहूंगी आपको रेगुलर न्यूज पेपर रीडिंग करने के लिए, उससे करंट अफेयर सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है। अच्छा, ये अच्छा आइडिया आपने दिया हर्षिता, थैंक यू सो मच इसके लिए। तो श्रेया, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा कि आप भी जैसे अब CUET की तैयारी कर रही हो, है ना, आपका हमने आधा घंटा तो वेस्ट कर ही दिया तैयारी में, तो आपने 12th के साथ भी थोड़ी बहुत तैयारी करी थी CUET की, या कैसे मतलब मैनेज करा था, क्या सर है फिर जैसे उसकी? मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स करना है तो उसके लिए डोमेन्स और इंग्लिश चाहिए. तो डोमेन्स मेरा 12th के साथ अच्छा खासा चल रहा था विद बोर्ड्स, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करना पड़ा. बट हाँ, आई यूज टू सॉल्व एमसीक्यूज डेली बेसिस पे, क्योंकि वो बोर्ड्स में भी बहुत हेल्प करता है और फॉर सीयूईटी. एंड हाँ, सीयूईटी का लेवल थोड़ा बोर्ड से ज्यादा है तो मैं डोमेन्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करती थी. अच्छी, बहुत अच्छा पॉइंट एंड बोला। प्लस फॉर इंग्लिश आई वुड रिकमेंड कि वोकैबुलरी पढ़नी चाहिए बच्चों को, एंड आरसीज मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने चाहिए रेगुलरली. ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट बोला श्रेया आपने कि MCQ की प्रैक्टिस आप ज्यादा ज्यादा करो बच्चों, तो आपकी अभी की 12th की डोमेन की तैयारी अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, प्लस CUET के डोमेन सब्जेक्ट्स की भी ऑटोमेटिक तैयारी आप उसी बहाने कर लोगे। तो डोमेन की तैयारी पे फोकस करो 12th की, तो ऑटोमेटिकली CUET का काफी आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। अच्छा, अब सायदा आपके पास आना चाहता हूँ, तो आप ये बताओ सायदा कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सब बच्चों का, जूनियर्स को अगर आपको कुछ तीन चार बातें इंपॉर्टेंट ऐसी बतानी हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हम मई के महीने में बैठे हैं कि भाई अगले साल आप बच्चे भी सर के साथ इंटरव्यू करेंगे, आपके भी 100 नंबर आएंगे, तो उसके लिए बस ये तीन चार बातों का ध्यान रखना है, वो क्या होंगे, क्या करें? अगर विजडम टिप्स देना चाहूंगी तो डे 1 से आपको स्टडी करना स्टार्ट कर देना है, स्टार्टिंग से ही, अभी ठीक से है, ही स्टडी करना स्टार्ट करना है. ये एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी. और फिर सेकंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन करना है. ये ऐसा नहीं करना कि आज 10 घंटे पढ़ लिया, फिर कल 1 घंटा पढ़ा, फिर परसों बुक ही नहीं ओपन किया, ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है. अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आज भी 2 घंटे पढ़ो, कल भी 2 घंटे पढ़ो, ऐसे आपको टाइम इंक्रीज करते जाना है. एग्जाम्स बोर्ड्स के थोड़ा 2-3 मंथ्स बिफोर आपको थोड़ा टाइम इंक्रीज करना है, कि 5-6 घंटे तो सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा बोर्ड्स के 2-3 मंथ्स बिफोर. और कंसिस्टेंस के साथ हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. हार्डवर्क करना चाहिए. अगर आपको 100/100 स्कोर करना है तो स्टार्टिंग से कंसिस्टेंस के साथ हार्डवर्क करो तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सायदा। तो बच्चों को देखो, सायदा ने जो भी टिप्स बताई और बातें बताई, आई होप आप भी उसको फॉलो करेंगे। कपीश, अब आपके पास आना चाहूंगा, आप बताओ कपीश कि आपने कोई अपने सेल्फ नोट्स भी बनाए थे, वो भी कुछ था या नहीं बनाए थे, और बच्चों को क्या ऐसी टिप देना चाहोगे कि पूरे 100 में से 100 है, और एग्जाम वाले दिन क्या खा के गए थे सुबह, तुम बच्चे क्या खाए? सर, सेल्फ नोट्स तो ऐसा कुछ बनाया नहीं थे मैंने, बुक में अंडरलाइन किया था थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक, अकाउंटेंसी के लिए वही कंसेप्ट रजिस्टर जो है वही फॉलो किया था, वो अभी तक भी रखा है मेरे पास, वो CA फाउंडेशन में भी काम आएगा ही इसलिए, काम आएगा। हाँ तो और रेगुलर प्रैक्टिस की थी बस ये था।
ठीक है। और एग्जाम के लिए कुछ बच्चों को और ऐसी एक दो विजडम टिप्स कि भाई ये करो तो आप 100 मार्क जरूर ले आओगे। सर एक तो कंसिस्टेंसी पूरे साल, जो जैसे आपने बताया भी था ऑफलाइन क्लास में, सी फाउंडेशन की पहले जोश होता है, धीरे धीरे वो फेड आउट होता जाता है पूरे साल। और कंसेप्ट क्लैरिटी, अकाउंट्स में कंसेप्ट क्लैरिटी के बिना कुछ नहीं होगा। रट के फायदा नहीं है कि रट लें अकाउंट्स में, कि लेजर के डेबिट साइड क्या आता है क्रेडिट साइड होता है, वो ज्यादा काम नहीं आता आगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की टाइमली मॉक्स और टेस्ट देना। टेस्ट ना दे के मैंने भी स्टार्टिंग में टेस्ट मिस किए थे, पर वो बाद में समझ आ गया था मुझे कि उससे प्रॉब्लम आई थी मुझे। नहीं, बहुत ये अच्छा पॉइंट कवर करा। टेस्ट बच्चों सबको जरूर देना चाहिए, चाहे आपके 0 नंबर आए, ये मत सोचो कि टेस्ट मैंने पढ़ के ही दूंगा। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं मेरी तैयारी नहीं, मैं अभी टेस्ट नहीं दूंगा, जब पढ़ लूंगा ना तब टेस्ट दूंगा। वही गलत है। टेस्ट आप दो, उससे क्वेश्चंस का नया एक्सपोजर मिलता है। ठीक है कपीश, थैंक यू सो मच। और हर्षिता, आपसे लास्ट कुछ विजडम टिप्स जूनियर्स के लिए क्या देना चाहोगी आप, कि भाई वो भी आपकी तरह अच्छे से 100 में से 100 नंबर ला सके। कंसिस्टेंसी वगैरह तो मैंने बोल दिया, लेकिन सबसे हाँ, ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कुछ मुझे अलग इस चीज साल बताओ, ऐसी, लगा हाँ ना, ऐसा ऐसा लग इनसाइट, बोल हाँ अलग और रही हूँ ऐसी इनसाइट जो आपकी आपकी सीक्रेट हो। मैं। हाँ, वो इनसाइट ये रहेगी कि आपने जब पेपर देना है तब आपको खुद पे भरोसा रखना है कि आपने पढ़ा है। लाइक मैंने बच्चे देखे थे सेंटर पे, उन्होंने पूरी साल पढ़ाई करी थी, लेकिन वो सेंटर पे आके इतने नर्वस हो गए कि उनसे टाइम ही मैनेज नहीं हुआ, कि उनसे पेपर का उन्हें क्वेश्चन याद ही, वो भूल गए, ब्लैंक हो गए। तो ये कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ऑब्वियसली ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमें एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं भूलना कि दिस इज जस्ट एन एग्जाम, और आपको अपने पर भरोसा रखना है और पूरी तरह कॉन्फिडेंटली बस अपना 100% देना है। आपसे कोई ये कुछ भी नहीं रहेगा, बस एक पेपर है, बस ये सोच के पेपर देना है, अच्छे से देना है, वापस आ जाना है। ये बहुत अच्छा, ये तुमने बहुत अच्छी बात बोली। मतलब इसको बहुत बड़ा हवा नहीं बनाना, पता चला साल भर मेहनत करी, तैयारी करी और एग्जाम में आप ब्लैंक हो रहे हो, या एनजाइटी लेवल्स इतने बढ़ गए, उसको प्रेशर इतना बना लिया कि आप परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर की भी तभी निकलती है जब वो केयर फ्री होकर खेलता है, जब वो टेंशन लेस होकर खेलता है। तो यही हमें एग्जाम के बारे में सोचना। बहुत अच्छा पॉइंट कवर करा हर्षिता, वेरी गुड। और श्रेया, अब आपसे भी जानना चाहूंगा जाते जाते कि जूनियर्स के लिए क्या आपकी विजडम टिप्स है, सलाह है बच्चों को क्या करें 100 लाने में। पेपर पेपर हमेशा काम होके देना चाहिए। मतलब ज्यादा हड़बड़ी में और एंजाइटी में पेपर दोगे तो पेपर बहुत ही गंदा जाएगा, अगर पूरे साल भी पढ़ा हो। मतलब काम होके दो। आई वुड रिकमेंड डूइंग मेडिटेशन एंड ईटिंग हेल्दी बिफोर एग्जाम, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड हाँ, तो क्या रेगुलर खाया था फिजिकल श्रेया, एक्टिविटी। तुम बताओ। चलो, बाकियों ने तो हेल्दी डाइट का कुछ टिप्स नहीं दिए, तुमने क्या खाया था एग्जाम वाले दिन और मम्मी एक के हाथ हफ्ते का पहले? खाना मम्मी ने क्या बनाया था? आंटी जी नमस्ते, हमें भी बताओ। बट आई वुड, हाँ मतलब जंक बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए बिफोर एग्जाम। ठीक है, मतलब हेल्दी खाओ, माइंड को फ्रेश रखे, मेडिटेशन अगर हो जाए तो कर लें। एंड फिजिकल एक्टिविटी लाइक डेली आफ्टर, जब आपने पढ़ाई कर ली हो तो डेली 30 मिनट्स वॉक करना चाहिए, माइंड उससे काम रहता है। ओके, एंड बहुत हाँ, 8 आवर्स स्लीप इज अ मस्ट। ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया बातें बताई श्रेया ने कि भाई आप हेल्दी खाओ, 8 घंटे सो, थोड़ा सा वॉक करो, मेडिटेट हो पाए तो वो भी कर लो। तो इससे बैलेंस बना रहेगा तो आपका एग्जाम जो है ना वो बहुत एटलीस्ट उतना अच्छा हो जाएगा जितनी आपने तैयारी कर रखी है। चलो, बहुत बहुत अच्छा लगा सब बच्चों से मिलके। श्रेया, हर्षिता, कपिश, सायदा, आपकी आने वाली फ्यूचर जर्नी के लिए भी मेरी तरफ से तो बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आप आगे बहुत अच्छा करें सभी बच्चे, और जिन्होंने भी थैंक यू आज की सर, वीडियो देखी, जितने भी जूनियर्स हैं, थैंक उनको भी ये बोलना चाहूंगा कि आप भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छा सिक्योर कर सकते हैं, 100 और 100 मार्क्स ला सकते हैं। सबने देखो अपने अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ अपने टिप्स शेयर करें कि क्या आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। आप इनके कॉमन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो इस वीडियो के बाद, और इन्होंने जो बातें बताई आप उनको फॉलो कर सकते हो या जितना आप उससे रिलेट कर सकते हो, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, राइट। और इसके अलावा भी कोई क्वेरी या कोई भी चीज अगर आपको लगेगी तो आप नीचे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई कर सकूं। बाकी मिलूंगा आपसे ऐसी मजेदार वीडियो में अगली बार, और कोशिश करूंगा कुछ और टॉपर्स के साथ बैठूं, उनसे भी कुछ इंसाइट्स लूं आपके लिए। और तब तक आप अपनी रेगुलर पढ़ाई करते रहना, बाकी मिलूंगा मैं आपसे लेक्चर्स में। ठीक है बच्चों, आप चारों बच्चों को भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, टेक थैंक यू सर। केयर, थैंक यू सर। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।